हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आप लोगों को पट्टी बना के दिखाऊंगी, ये दो कलर की। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चैन बनाएंगे। चैन बनाऊंगी मैं 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो देखिए मैंने 20 चेन बना के तैयार कर ली हैं। अब हम 1, 2, 3, 3 को छोड़ के चौथे वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक फंदे में हम डबल क्रोशिया यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे। तो बना लेते हैं, फिर हम दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी डबल क्रोशिया यहाँ से यहाँ तक बना के तैयार कर ली है। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए हमने 4 डबल क्रोशिया बना ली हैं अपनी। देखिए फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना 1, 2, 3, 4 चार चैन छोड़ के पाँचवें चैन में हम अपना पफ बनाएंगे। तो देखिए 1, 2, 3, 3 बार हमने धागा लपेटा और इस मैंने जो धागा लपेटा है इसको एक साथ हम बना देंगे। देखिए एक चैन बनाएंगे, फिर यहीं पे एक पप बनाएंगे, 1, 2, 3, फिर इस धागा को एक साथ बना देंगे, फिर एक चैन बनाएंगे, एक, फिर एक पप बनाएंगे, 2, 3, फिर एक चेन बनाएंगे, 1, 2 और 3, फिर धागा को एक साथ निकाल देंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 3, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर एक पप बनाएंगे उसी में, 1, 2, 3, फिर धागा को एक साथ निकाल देंगे, फिर इन दो फंदों को एक साथ बना देंगे। तो देखिए हमने अपने यहाँ पे 6 पप बनाए हैं। देखिए अब हम 1, 2, 3, 4 चार को छोड़ के पाँचवें फंदे में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, तो देखिए 4 हमारी डबल क्रोशियाँ इधर हैं और 4 मैंने इधर बना ली है डबल क्रोशियाँ, और 6 मैंने पप बनाए हैं बीच में। देखिए फ्रेंड्स, फिर से हम 3 चैन बनाएंगे, 1, 2, 3, फिर हम 4 बार डबल क्रोशियाँ बनाएंगे, जो मैंने ये पहले बनाई थी उन्हीं के ऊपर बनाएंगे। तो देखिए मैंने 4 बार डबल क्रोशिया बना ली है। अब हम चेन बनाएंगे, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 चेन बना ली मैंने, और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, 4। देखिए फिर हम इधर घुमाएंगे, फिर हम 3 चैन बनाएंगे, 1, 2, 3, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे 4 बार, और हम 6 चैन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
और एक दो तीन, जो हमने 6 पग बनाए थे 19 के, 3 इधर छोड़ के 3 इधर छोड़ के बीच में हम इसको क्रोशिया को डालेंगे और धागा को बाहर निकालेंगे और इन दोनों फंदों को एक साथ बना देंगे। देखिए फिर हम 6 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर हम 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो देखिए फ्रेंड्स फिर 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3, फिर 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए फ्रेंड्स फिर 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चैन बनाने के बाद 1 2 2 को छोड़ के तीसरे में हम बांध देंगे, फिर 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3, फिर हम 1 1 2 2 को छोड़ के तीसरे में बांध देंगे, फिर हम 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3, यहाँ पे 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए फ्रेंड्स फिर हम 3 चैन बनाएंगे, फिर 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए जो मैंने यहाँ पे पग बनाए थे वो यहाँ पे बनेंगे, तो देखिए 1 2 3, इन दोनों को एक साथ बना देंगे और एक चैन बनाएंगे, 1 2 3, फिर एक चैन बनाएंगे, 1 2 3, फिर एक चैन बनाएंगे, 2 और 3, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर पग बनाएंगे, 2 3, तो हमारे पास ये 5 हो गए, एक और बना लेते हैं, 1 2 3, तो देखिए फिर से हम 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम 3 चैन बनाएंगे, 3, फिर 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम 8 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4, फिर 3 चैन बनाएंगे, फिर 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 6 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे लाके जोड़ देंगे, देखिए फ्रेंड्स इन दोनों को एक साथ बना देंगे, फिर 6 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4, देखिए
फिर तीन चैन बनाएंगे, चार बार डबल क्रोशिया, फिर तीन चैन बनाएंगे, एक दो तीन, और यहाँ पे एक दो दो को छोड़ के तीसरे में बांध देंगे। फिर तीन चैन बनाएंगे, एक दो तीन, और यहाँ पे एक दो छोड़ के तीसरे में बांध देंगे, एक एक दो और तीन। फिर तीन चैन बनाएंगे, एक दो तीन, और यहाँ पे चार बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार। देखिए फ्रेंड्स, फिर तीन चैन बनाएंगे, फिर चार बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहीं पे हम छह पफ बनाएंगे, एक दो तीन, तीन बार मैंने धागा लपेटा, इसको एक साथ बना देंगे, एक चैन, एक दो तीन, एक साथ बना देंगे, एक चैन बनाएंगे, एक दो तीन, फिर एक चैन बनाएंगे, एक दो तीन, फिर एक चैन बनाएंगे, एक दो तीन, एक चैन, एक दो तीन। तो देखिए मैंने छह पफ बना लिए। फिर चार बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो देखिए फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को इतना बना के दिखा दिया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और मैं अपने दरवाजे के अनुसार बना लेती हूँ, उतनी ही लंबाई बना लेती हूँ, फिर आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने बना के अपनी पट्टी तैयार कर ली है, एक दो, दो चैन बनाएंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे हैं। यहाँ से यहाँ तक पूरे में डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। आप लोग भी ऐसे ही बना लेना। देखिए अब हम धागा को कट कर लेंगे, एक चैन बना के, देखिए फ्रेंड्स हमने धागा को कट कर दिया है, और ये कुछ ऐसी हमारी डिजाइन लग रही है बनने के बाद। और इस पे हम ये पीले कलर की ऊन लगाएंगे, देखिए। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे लगाना, देखिए फ्रेंड्स। एक चैन, हर एक फंदे में हम बनाते चले जाएंगे सिंगल क्रोशिया, देखिए। देखिए फ्रेंड्स, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम
कोने में हम दो चैन बनाएंगे और इसी में लाके हम फिर से एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। उसके बाद हम तीन चैन बनाएंगे, एक दो तीन, और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना देंगे, फिर से हम तीन चैन बनाएंगे, फिर हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो देखिए एक दो तीन चैन, फिर से सिंगल क्रोशिया बना देंगे यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे चेन नहीं बनाई, हमने यहाँ से यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बनाई, फिर इसके बाद हमने तीन चेन बना के यहाँ पे बांधा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक बना लेंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने चारों ओर ये किनारी बनाकर तैयार कर ली है। देखिए अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।